हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स का टैब एंड ट्यूटोरियल डालने जा रहा हूँ। बाजीगर हो बाजीगर, मतलब बाजीगर फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग्स है उसका टैब्स प्लस ट्यूटोरियल आज मैं डाल रहा हूँ। इसका लीड मैंने बजाया था, आपने देखा होगा, 1 मिलियन के ऊपर इसका व्यूज़ भी है और काफ़ी मतलब स्पेक्टेटर्स जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आपने इसका लेसन डालना, तो इसलिए मैं आज लेसन डालने जा रहा हूँ। आप आराम से देखना, आज मैं इस मुखरा और अंतराय डालूँगा क्योंकि इसका जो प्रीलूड और इंटरल्यूड है वो काफ़ी लेंदी है, लेकिन अगर किसी को वो चाहिए होगा उसका लेसन्स तो मुझे अपने कमेंट्स पे इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं इसको भी वीडियो बना के डाल दूँगा। और मैं जैसे प्रॉमिस किया था कि जितना भी ओल्ड सॉन्ग है, मिडले है, न्यू सॉन्ग्स है, उस सब का लीड मैंने जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स है उसका जो ट्यूटोरियल लेसन है विद टैब वो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। वो आप देखते रहना उसका, और ज़रूर फॉलो करना और बेल आइकन को ज़रूर अपने प्रेस करना, शेयर भी करना ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हमने बाजीगर का टैब्स प्रायर्स ट्यूटोरियल लेसन में डालने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द मुखरा लेसन। तो उससे पहले, ट्यूटोरियल जाने से पहले एक बार मैं मुखरा को प्लेन प्ले कर लूँ, उसके बाद नोट के साथ मैं आपको समझाऊंगा कहाँ कहाँ कौन से स्ट्रिंग पे प्ले होगा। ये सॉन्ग जो है एक्चुअली एफ माइनर की पे है, तो एफ माइनर की थोड़ा सा राउंड कर ले मैं, तो शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट नोट जो है इसका फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, थोड़े से वेट है। उसके बाद 2 टाइम्स फिर 8 फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 9th फ्रेट, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, अगेन सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, फिर थर्ड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग 11th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग 11th फ्रेट, फिर 3 टाइम्स फोर्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, डाउन अप डाउन थोड़ा फास्ट है, ट्रायो नोट है ये, सिंगल बीट पे 3 नोट है। फिर फोर्थ स्ट्रिंग 11th फ्रेट सेम 3 नोट है ट्रेड पे, फिर थर्ड स्ट्रिंग 8th फ्रेट ट्रेड 3 टाइम्स, फिर थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट 3 टाइम्स ट्रेड है, फिर थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट। तो लास्ट पे जो प्ले हुआ था टारा टा टारा टा टारा टा टारा टा टा, ये एक्चुअली लिरिक्स नहीं है, ये एक फिलर है जो म्यूजिक के थ्रू हमने इसको फिल करते हैं। उसके बाद शुरू होता है बाजीगर ओ बाजीगर, वो होगा फोर्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट,
फिर सेकेंड स्ट्रिंग 8 फ्रेट, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 9 फ्रेट, 8 फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 10 फ्रेट, ये भी ट्रायो है 9 8 10 जो है, सेकेंड स्ट्रिंग 9, सेकेंड स्ट्रिंग 8 एंड थर्ड स्ट्रिंग 10, मतलब तो अगेन और एक बार सेम प्ले करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग 10th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट एंड थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट। सेकेंड टाइम यही प्ले होगा लेकिन थोड़ी सी चेंज होगा, एक स्लाइडिंग ऐड होता है इसके साथ, वो क्या है, सेकेंड स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, आप जो है 11th 9th और 11th 9th पे एक स्लाइडिंग है, मतलब ठीक है, तो 11 9 11 9 दो स्लाइडिंग में 11 9 11 9, फिर सेकंड स्ट्रिंग 9 फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 8 फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 9th, सेकंड स्ट्रिंग 8 एंड थर्ड स्ट्रिंग 10, तो टोटल सेम चीज और एक भी बजाना है, अगेन फिर बिल्कुल शुरू वाला जो आया था, तो ये था फर्स्ट पार्ट, ये फीमेल्स जो है वो आपका टू टाइम्स सिंग करते हैं, उसके बाद मेल जो है फिर मेल सेम नोटेशन को टू टाइम्स फिर उसने सिंगिंग करते हैं, तो ये था पार्ट। अब मैं अंतरा जो है इसका ट्यूटोरियल लेसन में दूंगा, तो उससे पहले भी मैं अंतरा को एक बार प्लेन प्ले कर लूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कौन सी स्ट्रिंग पे कौन सा नोट कैसे प्ले कर रहा हूँ। ओके करते हैं सेकेंड पार्ट, वो कैसे है, फर्स्ट स्ट्रिंग 8 फ्रेट 2 टाइम्स, सेकेंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 8 9 8 हैमर पुल अप है, तो सेकेंड स्ट्रिंग 8 9 8, तो 8 पे प्ले करके हमने 9 पे हमर करके फिर 8 पे प्ले किया, पुल अप किया, फिर 8 अलग से प्ले किया, तो नेक्स्ट लाइन फोर्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 11th, सेकेंड स्ट्रिंग 9th, सेकेंड स्ट्रिंग 8th, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, तो लास्ट जो पांच नोट है वो थोड़ा सा स्पीड से प्ले होगा, यहां तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन सेकेंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट 2 टाइम्स, सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 8th फ्रेट,
फर्स्टिंग 11th फ्रेट, अगेन फर्स्टिंग 11th फ्रेट, थर्स्टिंग 8th फ्रेट, फिर फर्स्टिंग 11th फ्रेट, फर्स्टिंग 10th फ्रेट, फर्स्टिंग 11th फ्रेट। तो इसका भी लास्ट जो पांच नोट था वो भी आपका थोड़ा स्पीड से प्ले होगा। तो टोटल था सेकंड लाइन, उसके बाद जो है वो है फर्स्टिंग 11th फ्रेट, थर्स्टिंग 8th फ्रेट, थर्स्टिंग 10th फ्रेट, फिर सेकेंड स्ट्रिंग हैमर पुल ऑफ है 8 9 8, पहले भी था ये, फिर थर्स्टिंग 10th फ्रेट 2 times, फिर थर्स्टिंग 8th फ्रेट, फिर फर्स्टिंग 11th फ्रेट, फर्स्टिंग 10th फ्रेट 2 times। तो टोटल है 1st string पे हमें जंप करके आना है और प्ले करना है 1st string 8th फ्रेट 5 times। ठीक है, फिर 1st string 9th फ्रेट, फिर 1st string 8th फ्रेट, फिर 1st string 11th फ्रेट 3 times, फिर 1st string 9th फ्रेट, फिर 1st string 8th फ्रेट, फिर 2nd string 11th फ्रेट। तो लास्ट 3 नोट जो है ये थोड़ा फास्ट प्ले होगा। तो टोटल उसके बाद 2nd string 11th फ्रेट 3 times, लेकिन 3 times तो 3rd times था, वो पुल अप करके हमें 8th फ्रेट पे लाना है। तो सेकंड स्ट्रिंग 2 times 11th फ्रेट, फिर उसके बाद 11 to 8 पुल ऑफ। ठीक है, फिर सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर फर्स्टिंग 11th फ्रेट, फिर फर्स्टिंग 9th फ्रेट, फिर फर्स्टिंग 8th फ्रेट 2 times। तो होगा अगेन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें आगे नोट तक लेके जाना है। ठीक है, वो है फोर्थ टाइम है फर्स्टिंग 8th फ्रेट 4 times प्ले करना है, फिर फर्स्टिंग 9th फ्रेट, सीधा जंप करके 13th फ्रेट फर्स्टिंग 2 times, फिर फर्स्टिंग 11th फ्रेट, उसके बाद जो है थोड़ा सा सिंगल स्ट्रोक पे हमें काफी लंबा हैमर स्लाइडिंग करना है। तो फर्स्टिंग 11 to 13 हैमर करके, फिर 11 पुल अप करके, फिर 9th स्लाइडिंग करके, फिर 8th स्लाइडिंग करके, फिर 6th आना है। तो 11th हैमरिंग 13 पुल अप 11, फिर 9, फिर 8, फिर 6। तो अब फिर से और एक बार दिखाता हूं, उसके बाद 2nd string 11th फ्रेट 2 times, फिर 2nd string 11 to 8 फुल ऑफ, फिर 2nd string 8, फिर 2nd string 11th, फिर 2nd string 8, फिर 1st string 11th, फिर 1st string 9th फ्रेट, फिर 1st string 2 times 8th फ्रेट। तो ये था आपका पार्ट बी। इसके बाद जो ऐड होता है वो बिल्कुल जो शुरू किया था वही चीज आता है। तो
ये था मेन पार्ट्स, उसके बाद रिपीट है, मैक्सिमम रिपीट ही है सारे। तो मेन पार्ट्स था इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो ये था आज का लेसन भजगर सॉन्ग्स का, मतलब का मुखरा और अंतरा जो ट्यूटोरियल लेसन है विथ टैब मैंने आज अपलोड किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे, आप अच्छी तरह से इसको फॉलो करना और प्ले करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग्स मैं कुछ दिनों में ही डालूँगा, कोई पॉपुलर सॉन्ग्स, तो उससे पहले आप इसको प्रैक्टिस करके रखिए। और मैं जो रेगुलर मैंने जो बेसिक्स लेसन डाल रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, वो भी आप फॉलो करते रहना, देखते रहना। और मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।